नमस्कार। CHC कटरा यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा को कायाकल्प अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जितनी भी CHCs हैं उनमें CHC कटरा जो है वो प्रथम स्थान पर आया है और 15 लाख के करीब जो राशि है वो CHC कटरा को अब मिलेगी। तो पहले स्थान पर CHC कटरा आया है तमाम जो CHCs हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, तो ये एक अच्छी बात है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दूसरे स्थान पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी रहा है। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले साल की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी कायाकल्प अवार्ड में पहले स्थान पर था, लेकिन अब ये खिसका है और दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिर क्यों पहले नंबर से ये दूसरे नंबर हुआ है क्या। और आपको ये बता दें कि उधमपुर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसे प्रथम स्थान हासिल हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं सवाल इस पे उठ सकते हैं कि क्यों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो पिछले साल पहले नंबर पर था अब दूसरे नंबर पर पहुंचा है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि जो मुकाबला हुआ था, जो पॉइंट्स मिले थे दोनों अस्पतालों को, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 3 पॉइंट्स का ही अंतर जो है वो इसमें है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूसरे स्थान पर रहा है और कायाकल्प अवार्ड्स में जो अनाउंस हुए हैं आज दोपहर को, उसमें आपको बता दें कि CHC कटरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा को पहला स्थान हासिल हुआ है जितनी भी जम्मू कश्मीर की CHCs हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी को दूसरा स्थान जो है वो हासिल हुआ है। इसमें आपको बता दें कि जो 15 लाख रुपए हैं वो CHC कटरा को मिलेंगे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी 3 लाख के करीब जो रुपए हैं वो मिलेंगे। और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि PHC रनसू जो है वो डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी PHCs है उसमें जो PHC रनसू है उसे प्रथम स्थान हुआ मिला है विद इन डिस्ट्रिक्ट। तो रनसू को भी PHC को भी 2 लाख रुपए जो हैं वो मिलेंगे, इससे वो अपने अस्पताल में जो सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। और 15 लाख रुपए का जो प्राइज मनी है वो CHC कटरा को मिलेगा। अच्छी बात है, CHC कटरा जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। एक बात आपको ये भी बता दें कि पिछले साल CHC कटरा जो है वो पहले नंबर पर रहा था जो NQAS सर्टिफाइड हुआ था और पहले स्थान पर रहा था, और इस बार कायाकल्प अवार्ड्स में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा जो है वो पहले स्थान पर रहा है। पिछले साल भी NQAS जो सर्टिफाइड हुआ था पहले स्थान पर रहा था, और अब कायाकल्प अवार्ड में भी CHC कटरा जो है उसने पहला स्थान हासिल किया है, जो कि कटरा वालों के लिए और पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए ही खुशी की बात है। लेकिन जिला अस्पताल रियासी जो है वो 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। 3 अंक उसके कम थे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उससे। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो इस बार पहले स्थान पर रहा है। और ये भी आपको बता दें कि ये जो कायाकल्प अवार्ड्स हैं वो कई सारी चीज़ों के आधार पर दिए जाते हैं, कई सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो रहते हैं। उसमें आपको बता दें कि हॉस्पिटल अपकीप, सैनिटेशन, हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, सपोर्ट सर्विसेज और हाइजीन प्रमोशन, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके लिहाज से ये जो कायाकल्प अवार्ड्स हैं उसकी अनाउंसमेंट होती है, उसे इन अवार्ड्स को इन कुछ पैरामीटर्स के आधार पर दिया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी एक बार फिर बता दें कि 2nd पोजीशन में इस साल रहा है, और 3 अंकों के साथ से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर है वो पहले स्थान पर रहा है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से 3 अंक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर के ज़्यादा से ज़्यादा थे, और जिसके कारण जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर पहले स्थान पर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी जो है वो दूसरे स्थान पर। और DC रियासी ने जो हेड्स हैं इंस्टीट्यूशंस के जिन्होंने अवार्ड हासिल किए हैं, और इसके साथ ही जो CMO हैं उन्हें मुबारकबाद पेश की है। कोविड का दौर चल रहा है और
पिछले साल से अभी तक आपको बता दें कि लगातार जो है जो पीक पर भी कोरोना पहुंचा था, सेकंड वेव का सामना भी तमाम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में किया था। और अब चूंकि केस जो हैं वो बेहद कम हो गए हैं और लोकल जो केस हैं वो तो ना के बराबर आ रहे हैं, अब कहीं राहत की बात है, लेकिन थर्ड वेव की तैयारी भी हमें कहीं ना कहीं करनी है। और इसी के बीच 2021 कायाकल्प अवार्ड्स की घोषणा हुई है, जिसमें CHC कटरा ने पहला स्थान हासिल किया है। जितनी भी CHCs हैं जम्मू कश्मीर में और उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पिछले साल पहले स्थान पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था और 50 लाख रुपए का जो अमाउंट था, जो प्राइज़ मनी था, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मिला था, लेकिन इस बार दूसरे स्थान पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो चला गया है और प्राइज़ मनी भी बहुत कम मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।